कृषि उत्पन्न बाजार समिति सावने द्वारा 5 सितंबर 2024 को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आम सभा एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की वार्षिक आम बैठक एवं प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुनील बाबू केदार, मुक्ताताई कोकटे अध्यक्ष, नागपुर जिला परिषद अनुजाताई केदार अध्यक्ष, नाजी सुदकिरानी पाटन सावंकी, कुंदाताई राउत उपाध्यक्ष नागपुर जिला परिषद, राहुल कुसुम्बे सभापति वित्त एवं शिक्षा, मिलिंद दुटे सभापति समाज कल्याण, अवंतिका देकुरवाड़े सभापति महिला एवं बाल कल्याण, प्रवीण जोत सभापति कृषि एवं पशुपालन, गोविंद ठाकरे अध्यक्ष पंचायत समिति सावनेर, राहुल तिवारी उपाध्यक्ष पंचायत समिति सावनेर आदि की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न आम सभा के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम पुरस्कार एक्टिवा दोपहिया वाहन, द्वितीय पुरस्कार वाइडर रोटावेटर यानी पेट्रोल मॉडल, तृतीय पुरस्कार मिनी पावर ट्रेलर पेट्रोल, चतुर्थ पुरस्कार चारा कटर, पांचवा पुरस्कार 10 पुरस्कार वाली सोलर जगटा मशीन, छठवां पुरस्कार 10 पावर स्प्रे, सातवां पुरस्कार बेल पर टिफिन, आठवां पुरस्कार बेल पर टेबल मशीन, नौवां पुरस्कार बैटरी स्प्रे पंप 150, दसवां पुरस्कार तिरपाल 100, ग्यारहवां पुरस्कार प्लास्टिक कैरेट, बारहवां पुरस्कार बाल्टी, तेरहवां पुरस्कार कंबल, चौदहवां पुरस्कार किसान टॉर्च, पंद्रहवां पुरस्कार दूध का डिब्बा, सोलहवां पुरस्कार टिफिन बैग, ऐसे कुल मिलाकर लकी ड्रॉ के माध्यम से 501 पुरस्कार वितरित किए गए। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष रविन्द्र चिखले ने वार्षिक अहवाल वाचन कर कृषि उत्पन्न बाजार समिति सावने के वर्ष भर का लेखा जोखा रखा। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण साड़ी ने तो आभार उपाध्यक्ष प्रकाश लांजेवाल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित तथा सहकार महर्षि बाबा साहेब केदार की प्रतिमा को माल्यार्पण कर साथ ही पिछले वर्ष दिवंगत हुए किसान भाइयों की आकस्मिक मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सुनील केदार ने किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति आपकी समिति है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि किसानों का जीवन कितना कठिन है, वे अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करते हैं, फिर भी राज्य के शासकों को कृषि और किसानों की कोई परवाह नहीं है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो किसान परिवार अपनी फसल को गर्मी, बारिश, हवा आदि संकटों से बचाता है, फिर भी वह हमेशा असहाय रहता है। किसान इस धरती पर असली योद्धा और दुनिया का पेट भरने के लिए रात दिन पसीना बहाता है, लेकिन शासकों को उनके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए नफरत फैलाकर सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें जवाब आगामी चुनाव में जरूर दूंगा। सुनील केदार पर जितना बोलना है बोलो, पर एक बात याद रखो कि चुनाव आते जाते रहेंगे और यह सुनील केदार आप पर हमेशा भारी पड़ता रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए उपस्थित हजारों किसान भाइयों को विश्वास दिलाया कि जिस सुनील केदार को आप सबने खड़ा किया है वही आगामी विधानसभा चुनाव में अपना परचम दिलाएगा। हा सावनेरच्या मातीमध्ये उभा राहिलेला सुनील केदार आहे। छोट्या मोठ्या गोष्टीला घाबरत नाही। ज्या खासदारकीची निवडणूक होती उदळ दाग दाखवून सांगितलं होतं सुनील केदारला थांबायचं असेल तर त्याला फाशी देऊन टाका, असा सुनील केदार थांबणार नाही लक्षात ठेवा। सुनील केदार थांबणार कारण त्यावेळेस नुकताच भेट मिळाली होती, मी बाहेर आलो होतो त्यावेळेस जेलमधून, तरी निवडणूक पूर्ण अंगावर घेतली आणि सगळ्या अंगावर घेतलं आणि पुढे सांगून घेतो याच्यानंतरही की आता याच्यानंतर अंगावर अशी काही घेईल की पुन्हा कोणाला त्या ठिकाणी हिंमत होणार नाही बोलायची, लक्षात तर त्यांच्या हिंमत होणार नाही। काही लोकांनी प्रयत्न करायचा आधी प्रयत्न करतात आणि अशातला भाग नाही, पण त्या सगळ्यांना सांगतो की जिस दिन मैं चलूंगा ना आज
आज सामने चलूंगा एक शब्द दिला तो बंद नो गली तुमच्या कोणी असा आरोप ठेवला नाही की सुनील तू सामनेचा जो सुनील कराला आहे तो बैमान निघालेला आहे सामनेचा सुनील कराला तद्दार झालेला आहे सामनेचा किदा। एनबीसी न्यूज के लिए सांदेर से छवि राठौड़ के साथ किशोर ठुंडे की रिपोर्ट।